रीवा जिले में एक युवक जिस वक्त दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था, दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त एक युवती उसके खिलाफ थाने में बलात्कार का मामला दर्ज करवा रही थी और सुबह जैसे ही दुल्हन लेकर घर पहुंचा, पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया और सुहागरात से पहले उसे सलाखों के पीछे डाल दिया, जिससे शादी की खुशियां फीकी पड़ गई। दरअसल पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है। युवती ने पुलिस को शादी का झांसा देकर उसके शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी दी थी। पीड़िता का आरोप है कि इंद्रानगर का रहने वाला आरोपी अंशुल पटेल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बाद में दूसरी लड़की से शादी रखा। एक लड़की बार बार रिपोर्ट कर रही थी परसों रात में कि एक लड़का शादी कर रहा है और उसकी जो है पहले मेरे साथ उसके संबंध थे और हम एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे। तो एफआईआर दर्ज करके उसके मामला विश्वविद्यालय थाने को सौंपा गया। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह की चीजें काफी कुछ हो रही हैं और बहुत चिंताजनक चीज है, क्योंकि ये आपराधिक के साथ साथ एक सामाजिक अपराध भी है जो नहीं होना चाहिए।